नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आईपीएल का 36वां मैच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच खेला गया और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने कोलकाता को 10 रनों से हरा दिया। दोस्तों, अगर आप भी आंद्रे रसेल को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने केकेआर को 214 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में आंद्रे रसेल और नीतीश राणा की पारियों ने दम पर केकेआर ने जवाब दिया, लेकिन वह लक्ष्य से 10 रन दूर रह गए। रसेल ने 25 गेंदों में 9 छक्के के साथ 65 रन बनाए, तो वहीं नीतीश राणा ने 46 गेंदों में नबाद 85 रन बनाए। मैच के बाद आंद्रे रसेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने पत्रकारों से बात की। रसेल ने कहा कि हार से वे काफी निराश हैं और विशेष रूप से तब, जबकि हार जीत का अंतर सिर्फ 10 रन का रहा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 10 रन से हारे और जीत से केवल दो बड़े हिट दूर रह गए, लेकिन रसेल ने हार का जिम्मेदार मध्यक्रम के बल्लेबाजों को ठहराते हुए कहा कि हमने बीच के ओवरों में काफी धीमी बल्लेबाजी की, वरना हम एक ओवर पहले ही जीत सकते थे। आपको बता दें कि केकेआर ने पहले 12 ओवर तक धीमी बल्लेबाजी की। उथप्पा ने 20 गेंदों पर 9 रन और शुभमन गिल ने 11 गेंदों पर 9 रन बनाए थे। मीडिया ने रसेल से सवाल पूछा, क्या आपको इस मैच में नंबर 4 पर आना चाहिए था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नंबर 4 पर वे बल्लेबाजी के लिए आ सकते थे, लेकिन यह टीम के लिए अच्छा नहीं होता। उनका रोल टीम में यही है कि अंतिम ओवरों में अगर 15 रन के औसत से भी रन बनाने हो तो वे ऐसे सिचुएशन में आकर बना सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल की हर खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।